बीते कुछ दशकों में साउथ इंडिया एजुकेशन का कंप्लीट हब बन चुका है। साउथ इंडिया के सबसे बड़े शहर चेन्नई में स्थित एक टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात आज हम लोग करने वाले हैं। वेलटेक रंगराजन डॉक्टर सगुंथला R&D इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज तमिलनाडु की राजधानी और मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई के आवदी में स्थित है। वेलटेक यूनिवर्सिटी भारत के टॉप 100 कॉलेजों में शामिल है, जिसकी NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2020 में 95 थी। यह कॉलेज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर 100 एकड़ के लैंड एरिया में तैयार किया गया है। इस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ था। तो चलिए अब डिटेल्ड एनालिसिस की ओर मूव करते हैं। वेलटेक यूनिवर्सिटी चेन्नई से सबसे करीब रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो लगभग 29 किलोमीटर दूर है, और चेन्नई एयरपोर्ट सबसे सामने एयरपोर्ट है, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के रिव्यू में हम लोग इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फेस्ट्स, कंपैरिजन के साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आप इस कॉलेज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं। पहला VTU EEE एंट्रेंस के थ्रू, जो इस कॉलेज का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, और दूसरा आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं। पहला अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के मेरिट बेस्ड, और दूसरा आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज वेलटेक यूनिवर्सिटी के पास 6 टाइप्स के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। इस कॉलेज से आप मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। आगे आप बीटेक के सभी ब्रांचेस, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन मल्टी प्रोग्राम्स, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट के सभी प्रोग्राम्स, PhD के सभी कोर्सेज के लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। हॉस्टल एंड मेस। इस कॉलेज के पास 1 गर्ल्स हॉस्टल और 1 बॉयज हॉस्टल है, जहां आपको बहुत सारी बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि जिम, इंडोर गेम्स। कॉलेज में सिंगल रूम्स, डबल, ट्रिपल, 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग रूम्स के ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें AC और नॉन AC रूम्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप सभी रूम ऑप्शंस के कंडीशंस के साथ लेटेस्ट हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट की बारी। पहले NIRF रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो रिपोर्ट कॉलेज के द्वारा NIRF को सौंपी जाती है, इस कॉलेज की मीडियन सैलरी पैकेज 2020 में बीटेक वालों के लिए 3.2 लाख पर एनम, एमटेक वालों के लिए 5 लाख पर एनम और MBA वालों के लिए 3 लाख पर एनम गई थी। स्क्रीन पर आप 2019 की मीडियन सैलरी पैकेज को भी देख सकते हैं। वेलटेक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 2020 में एवरेज पैकेज 4.32 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज 10 लाख पर एनम गई थी, जहां 315 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे और कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 94.59 थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कंपनी ने कितने को कितने का जॉब ऑफर दिया। यही सब स्टेटिस्टिक्स आप 2019 की भी देख सकते हैं। लावजा वेलटेक यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्ट है, जिसका रंगारंग आयोजन कराया जाता है। इस फेस्ट में बड़े बड़े सितारों को भी शामिल किया जाता है। फीस स्ट्रक्चर। इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार बीटेक वालों की टोटल फीस 9 से 10.6 लाख पर एनम के आसपास है। इसी तरह आप स्क्रीन पर MBA, MTech, LLB स्पेशलाइजेशन वाइज ग्रेजुएशन 3 इयर्स की सभी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में VTU EEE और बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम लोग वेलटेक यूनिवर्सिटी, सत्याभामा यूनिवर्सिटी, भारत यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, जो आपको इन कॉलेजों के सिलेक्शन क्राइटेरिया में मदद करेगा।
यह चारों कॉलेज मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई के अलग अलग भागों में स्थित हैं। पहले प्लेसमेंट में कंपैरिजन सत्याभामा और वेलटेक यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट ठीक ठाक है और दूसरी ओर हिंदुस्तान और भारत यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट फिलहाल थोड़ा सा कम है। दूसरा फी स्ट्रक्चर में कंपैरिजन हिंदुस्तान और वेलटेक यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अधिक है और दूसरी ओर सत्याभामा यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर एवरेज और भारत यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है। NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2020 के अनुसार सत्याभामा यूनिवर्सिटी 51 पोजीशन पर, वेलटेक यूनिवर्सिटी 95 पोजीशन पर, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी 107 पोजीशन पर आती है। फिलहाल भारत यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग रैंकिंग नहीं मिला है, पर भारत यूनिवर्सिटी NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार 59 पोजीशन पर आती है। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप सत्याभामा यूनिवर्सिटी की ओर जाए, उसके बाद वेलटेक यूनिवर्सिटी और लास्ट में भारत यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की ओर देखें। इन दोनों में हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा है, पर भारत यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर चारों कॉलेजों में सबसे कम है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कॉलेज रिव्यू को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।